नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कोरोना से रिलेटेड। गल्फ कंट्रीज में 8 कंट्री को हम ऐड करेंगे, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, ईरान, इराक और इंडिया। जी हाँ, 8 कंट्रीज को हम शामिल करेंगे क्योंकि गल्फ जाने वाले बहुत लोग हैं, उधर से आने वाले भी भाई आप बहुत लोग हो और पूरा माजरा इसी पे टिकेगा। गल्फ कंट्रीज का अगर आप जाने वाले हो तो कोरोना पे अपडेट कर टिकेगा कि भाई कौन सी कंट्रीज का कम हो रहा है, कौन सी की ज़्यादा हो रहा है। तो वीडियो मात्र 3 मिनट में पूरी डिटेल दे दूंगा 8 कंट्रीज की, स्क्रीन पर आप देखते रहिए ताकि आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं कतर से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कतर का बता दूँ 1,14,809 के सभी तक आए हैं। जी हाँ साथियों, बता दूं 15 अगस्त तक की मैं बता रहा हूं पूरी डिटेल, उसमें से मौत हुई है 192 अभी तक लोगों की डेथ हो चुकी है। रिकवर की बात करें तो 111,505 लोगों की अभी तक रिकवरी हो चुकी है। एवरेज अगर देखा जाए तो 13,000 एक्टिव केस हैं, तो भैया बिल्कुल भी कम है। यह मान लीजिए कतर कंट्री के लिए 13,000 केस कोई ज़्यादा नहीं है। आगे बात कर लेते हैं यूएई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, 64,102 जी हाँ एक्टिव अभी तक केस आए हैं 15 अगस्त 2020 तक की मैं बात करूं। डेथ की बात करें तो 361 लोगों की अभी तक मौत हुई है कोरोना काल में। जी हाँ, और अगर रिकवरी की बात करें तो 57,571 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। तो भैया रिकवरी रेट बहुत ही अच्छी है, मात्र 7,000 केस अभी तक केस एक्टिव हैं। तो ये मान लीजिए अगस्त में ये कंट्रोल हो जाएगा। अब कुवैत की बात कर लेते हैं भाई, कुवैत में 75,957 केस जी हाँ साथियों एक्टिव केस आए थे टोटल 15 अगस्त तक, उसमें से मौत की बात करें तो भैया 498 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। और रिकवरी की बात करें तो 67,519 लोगों की अभी तक रिकवरी हो चुकी है। अगर पेंडिंग केस देखा जाए, एक्टिव केस तो 8,000 के करीब हैं, तो भैया इतनी बड़ी कंट्री के लिए 8,000 केस कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, एकदम बढ़िया है रिकवरी रेट है। सऊदी अरबिया की अगर बात करें तो कोरोना केस अभी तक हैं 297,315 केस अभी तक एक्टिव आए हैं 15 अगस्त तक, उनमें से मौत होगी साथियों बता दूं 3,369 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। और अगर रिकवरी की बात करें तो 264,487 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। जी हाँ, एक्टिव केस की बात करें तो 35,000 के करीब एक्टिव केस अभी तक सऊदी अरबिया में चल रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं साथियों ओमान। जी हाँ साथियों, ओमान में 82,924 यानी 83,000 एक्टिव केस आए हैं 15 अगस्त तक। डेथ की बात करें तो 562 लोगों की अभी तक डेथ हुई है ओमान में। और रिकवरी की बात करें तो साथियों 77,550 लोगों की अभी तक रिकवरी हो चुकी है। और अभी तक अगर एक्टिव केस की बात करें तो मात्र और मात्र बता दूं आपको 5,000 जी हाँ 5,000 ओनली एक्टिव केस हैं, बहुत अच्छी है ओमान में। तो भैया बहुत अच्छी है ओमान में रिकवरी, बहुत अच्छी है। बहरीन की बात करें, बहरीन में कोरोना केस की बात करें 46,430 एक्टिव केस हैं अभी तक। जी हाँ, उनमें से डेथ की बात करें तो 170 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। उनमें से बात करें 42,806 जी हाँ 806 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। अगर पूरा माजरा देखें तो मात्र 4,000 लोगों की अभी तक एक्टिव केस हैं जो पेंडिंग हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। बहरीन में भी ठीक है भाई, 4,000 केस अभी तक एक्टिव हैं। आगे बात कर लें इराक। जी हाँ साथियों, इराक में अगर देखा जाए तो भाई 172,583 केस अभी तक आए हैं 15 अगस्त तक। जी हाँ, अगर डेथ की बात करें तो 5,785 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है कोरोना से, इसमें से रिकवरी की बात करें तो 122,700 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। और अगर देखा जाए तो एक्टिव केस 50,000 हैं। जी हाँ साथियों, इराक में 50,000 एक्टिव केस अभी तक चल रहे हैं। इंडिया में देखें भाई, लास्ट में इंडिया की हम बात कर लेते हैं क्योंकि इंडिया का भी सबसे इंपॉर्टेंट भाग रहेगा। 25,94,112 अभी तक एक्टिव केस हुए हैं 15 अगस्त तक। जी हाँ साथियों, 25,94,112 मौत हो चुकी हैं साथियों इंडिया में, 50,122 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, अगर इसमें देखा जाए तो 18,62,937 लोगों की रिकवरी हो जाती है। अगर एवरेज देखा जाए तो लगभग 7 लाख के करीब, जी हाँ लगभग 7 लाख लोगों के करीब इंडिया में एक्टिव केस हैं। जी हाँ, तो भाई देखिए, वैसे अगर देखा जाए आबादी के हिसाब से इन सभी कंट्रीज़ को 7 को मिला लें तो भी इंडिया के आधी के बराबर भी नहीं पहुंच पाते। ये मान लीजिए इंडिया से बहुत कम डाउन में है, तो आबादी के हिसाब से तो इतने केस 6 लाख 7 लाख कोई ज़्यादा नहीं है। बाकी आंकड़ा फिगर थोड़ा डराने वाला हो सकता है, बाकी रिकवरी इंडिया की रिकवरी बहुत अच्छी है। आज की न्यूज़ है 70-72% से ऊपर रिकवरी चल रही है, यानी 100 लोगों को हो रहा है तो 70-72-75 लोग रिकवर हो रहे हैं। तो ये मान लीजिए बहुत अच्छी रिकवरी रेट है और जल्दी उम्मीद करते हैं कि अगस्त में रिकवरी रेट और बढ़ के पूरी हो जाए तो मज़े बन जाए, ठीक है।
तो बस ये अपडेट देनी थी गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज वाले भाई जरूर फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।